हेलो शार्क्स। हेलो। हाय बारी। मेरा नाम विनीत सरायवाला है और मैं जमशेदपुर से हूँ। हाय विनीत। शार्क्स, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और मेरे जैसे डिसेबल्ड लोग के लिए ये दुनिया डिसाइड नहीं कर सकती कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। भारत में लगभग 7 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है डिसेबल्ड लोगों की और सिर्फ 0.4% का एम्प्लॉयमेंट रेट है। दुनिया के नजरिए से हमें बहुत अंडर वैल्यू किया जाता है, बट आप हमारे नजरिए से देखोगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। जब कोविड आया था तो मोस्ट जगह पे लेऑफ्स थे और मेरे पास इतने सारे सीवीज आ रहे थे डिसेबल्ड लोगों की, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इन सीवीज का। इसी मैसिव प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड को सॉल्व करने के लिए मैंने अपना फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया और मैंने शुरुआत की एटिपिकल एडवांटेज की। एटिपिकल एडवांटेज भारत का सबसे बड़ा इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो डिसेबल्ड लोगों को रोजगार देता है। 2 साल हो गए हैं और हम 100 कंपनी से ज्यादा के साथ काम कर चुके हैं, 100 एनजीओस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमने 1000 से ज्यादा डिसेबल्ड लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया है। चाक्स, मेरा अल्टीमेट विजन ये है कि एक दिन सबको समान अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हम एटिपिकल एडवांटेज जैसी कंपनीज की जरूरत ही नहीं पड़े। हम इस मैसिव रोजगार के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए चार्ज हमारा आज 30 लाख है फॉर 1% इक्विटी। वाओ। तो शार्क्स, आप ही बताइए, नजर इंपॉर्टेंट है कि नजरिया? वाओ, ब्यूटीफुली सेड, सुपर्ब सुपर्ब पिच विनीत। वेलकम शार्क टैंक सीजन 2 में। आपकी कहानी और आपके मिशन के बारे में सुन के सच में हम पांचों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। क्या आप पैदाइशी आपको विजन इंपेयरमेंट था, फिर कैसे आपने ये सब किया? मेरा कंडीशन का नाम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है एंड इसमें क्या होता है, विजन उम्र के साथ साथ घटते जाती है और मेरा करंट विजन सिर्फ 10% है और लेफ्ट आई में 0 है। आप हमें पहचान पा रहे हो, हम कौन बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे को मतलब आवाज से, मतलब मेरे को पता है आपका आवाज अनुपम मित्तल है तो। अच्छा, वैसे, बट उस तरह से, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो ठीक से? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं देख पा, क्योंकि सबसे पहले लोग यही पूछते थे कि तेरा लेफ्ट आई छोटा क्यों है। खराब तो लगता था, टीवी नहीं देख पाना, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल नहीं पाना, झूठ बोल के या किसी तरह काम चला के मैं कर रहा था अपना लाइफ मैनेज, बट एक पॉइंट आया उसके बाद आप नहीं बोल सकते हो झूठ। तो मेरा फिलॉसफी वही है कि यार, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत के अलावा। मेरे भाई को भी यही कंडीशन है। विनीत ही था वो जिसने मुझे सब कुछ ऐसा सिखाया कि मैं वो कर सका। तो इम्पैक्ट आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो एक बड़े भाई का। मैंने जो भी कुछ अचीव किया वो सब कुछ और सब कुछ टेक्नोलॉजी की ही वजह से हुआ है। डिसेबल्ड हो, नॉन डिसेबल्ड हो, फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप मेहनती हो ना तो आप आगे निकलोगे। मैं और मेरा भाई दोनों एक्चुअली ब्लाइंड है और हम लोग दोनों पढ़ाई में हमेशा से अच्छे रहे हैं एंड हमारे पास लाइक 3 बेहतरीन टीचर्स थे बैंगलोर से जिन्होंने हमें फ्री में कैट के लिए पढ़ना सिखाया और फिर हम दोनों ने आई एम बैंगलोर क्रैक किया। वाह वाह। और मेरे और उसकी जर्नी काफ़ी सिमिलर है, एट द सेम टाइम ऑपोजिट है। ही इज़ अ फाइनेंस विजार्ड, खुद की इन्वेस्टमेंट बैंक चलाता है। ओह वाह। और मोर देन $500 मिलियन सिंगल हैंडेडली रेस कर चुका है। वाओ वाओ। नाम क्या है उनका? उसका नाम अनुज सरायवाला है, फर्म का नाम इल्यूमिनेट कैपिटल है। हाँ, मैं जानता हूँ अनुज सर, वो एक लोन रेंजर की तरह माने जाते हैं एंड ही इज अ बिग टाइम शार्प शूटर, इज दैट राइट? यस। कमाल और गजब की बात ये नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो,
कमाल की बात यह है कि आप में इतना मतलब पॉजिटिविटी है जो बहुत कम देखने को मिलती है. कैसे आई है पॉजिटिविटी? पहले वुमेन को या तो आप मोर ह्यूमन मानते थे कि देवी शक्ति दुर्गा नारी, बट उनका जब रेस्पेक्ट आता था वो नहीं करेंगे. सेम वे विद डिसेबिलिटी, राइट? या तो आप उनको ज्यादा ह्यूमन मांगेंगे कि मैं और अनुज के पास सिक्स सेंस है, एक्स्ट्रा पावर है, भगवान ने शक्ति दी है. बट मेरे को लगता है जो ट्रू चेंज सोसाइटी में आएगा वो ना तो डिसेबल लोग को इंस्पिरेशन या स्पेशली एबल्ड बोलने से आएगा, ना तो लेस ह्यूमन या बेचारा ये लोग कुछ नहीं कर सकते से आएगा. अगर हम किसी भी इंसान को, जो कोई भी मार्जिनलाइज सेगमेंट का, अगर हम उसको इंसान की तरह ही रहने देना तो बहुत कुछ समाज में बदल सकता है. टोटली, बहुत बड़ी बात. वेरी वेल सेड. तो विनीत, ये एटिपिकल एडवांटेज जो आपकी कंपनी है ये क्या करती है? शार्क्स, मैं आपको अपना वेबसाइट दिखा सकता हूँ? प्लीज दिखाइए. तो एटिपिकल एडवांटेज में हमारा सबसे पहला इंटरेस्ट एरिया वर्टिकल जो है वो है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का. और यहाँ पे 500 से ज्यादा परफॉर्मर्स है, डांसर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन, मजिशियंस, कॉमेडियंस, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट. आप उसको अपने कॉर्पोरेट इवेंट, टाउन हॉल और ये सब में बुक कर सकते हैं. दूसरा है एटिपिकल आर्ट. यहाँ पे 140 आर्टिस्ट विद डिसेबिलिटीज है और 1100 आर्टवर्क्स लाइव है प्लेटफॉर्म पे. वाओ. और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट एरिया वो है इंक्लूसिव हायरिंग का. तो आप इंक्लूसिव हायरिंग में आप जाके देखेंगे तो फ्रीलांसिंग और फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज है. एंड अगेन कॉर्पोरेट्स उनके प्रोफाइल्स को देख सकते हैं. और ओवरऑल ऑल द वर्टिकल्स पुट टुगेदर 1000 प्लस हो गया. हमारा टॉप क्लाइंट अमेजोन है जहाँ पे हमने 60 से ज्यादा लोगों को फुल टाइम जॉब्स के लिए प्लेस किया है. वाओ. मेरी खुद की सिस्टर एक चार्टेड अकाउंटेंट है, पिछले काफी साल से डिसेबल्ड है. ऑल इंडिया रैंक 10 है चार्टेड अकाउंटेंसी एंड शी डिड इट व्हाइल बीइंग स्पेशली एबल्ड और मे बी आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वर्ड. बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर एक अलग वेबसाइट की क्यों जरूरत है? क्या रेगुलर पोर्टल्स में कोई कमी है या ये कंपनीज का माइंडसेट इशू है? व्हाई क्रिएट दिस? आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन भी है. बिकॉज आप प्राइमरी देखो तो ये अलग वेबसाइट टेक्निकली एक्सक्लूजन कर रहे हैं, ना कि इंक्लूजन. बट आप जो करेंट सिस्टम देख रहे हो, देश का जो टॉप 3 वेबसाइट्स है सारे इनएक्सेसिबल है डिसेबल्ड लोगों के लिए. अगर मैं वहां जाके अपना CV ही नहीं अपलोड कर सकता हूँ तो मेरे को कहाँ से जॉब लगेगा? That is the first thing. दूसरा, companies end-to-end effort नहीं लेती है जब वो disabled को hire करती है. अगर मान लो कोई deaf candidate है और उसको sign language support चाहिए, तो जो mainstream websites है वो sign language support नहीं provide कराएगी. विनीत, yeah. आप placement के बाद companies में post sensitization workshops provide करते हैं, और अगर करते हैं तो उसके लिए charge करते हैं? जो भी companies हमारे साथ sign up करती है वो एक monthly retainer fee हमें देती है. मंथली रिटेनर में डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, जॉब मैपिंग, कंसल्टिंग, इंटरव्यू स्केड्यूलिंग, साइन लैंग्वेज सपोर्ट, सब कुछ रहता है. तो अभी आपका मतलब कितना रेवेन्यू हो चुका है, क्या बिजनेस में कितना पैसा कमाया है? हम लोग मंथली 8 लाख के आसपास कर रहे हैं. इनफैक्ट लास्ट महीने 10 किया था, उसके पहले 6.5 किया था. तो आपका दो मॉडल होंगे, एक तो होगा या तो मंथली सब्सक्रिप्शन और दूसरा भी कोई मॉडल है क्या? या कुछ कंपनीज के लिए हम सिर्फ प्लेसमेंट फी पे भी काम करते हैं. आप इस बिजनेस को कैसे बनाना चाहते हैं? मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर देखूं, एट दिस स्टेज पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, बट एज अ कॉज देखें तो हाँ, 30 लाख क्या, 50 लाख ले लो और इक्विटी देने की भी जरूरत नहीं है. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आप कैसे सोच रहे हैं बिजनेस के बारे में. मतलब बेसिकली क्वेश्चन का पॉइंट ये है कि ये पर्पस के लिए कर रहा है या ये बिजनेस बनाने के लिए कर रहा है. इंपैक्ट इज माय टॉप मैट्रिक्स. द एक्सपेक्टेशन इज प्रायोरिटाइजिंग सोशल रिटर्न्स ओवर फाइनेंशियल रिटर्न्स. तो आपने कैसे वैल्यूएशन पे अराइव किया कि मेरा सालाना 1 करोड़ का रेवेन्यू है पर मेरी 30 करोड़ की वैल्यूएशन होगी? अनुज से करवाया वैल्यूएशन. नहीं, उससे थोड़ा ज्ञान लिया था. ज्यादा दे दिया. नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल शख्स, हमारा सीड राउंड हो चुका है. हमने 1 CR रेस किया है एट 7 CR के वैल्यूएशन पे लास्ट वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे को. अच्छा जी. From a series of investors with a social lens. अच्छा. So that just sets up the floor. और हम लोग मार्च के एंड तक रफली ARR 2.5 CR पे पहुंच जाएंगे. और टिपिकली फॉर अ B2B2C कंज्यूमर फेसिंग 10-15x का वैल्यूएशन के लॉजिक के हिसाब से हमने 30 CR पे अराइव किया.
मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, ठीक है? 30 लाख रुपया एट 7 करोड़ वैल्यूएशन इन योर कंपनी। और मैं और नमिता भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं अनुपम, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ जी, तो ये वैल्यूएशन जो 10x का एक्सपेक्टेशन लाए हैं आप, वो मुझे कहीं बैठ नहीं रहा है। नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि पैसे इनके पास बहुत है ना। मेरे भाई के पास से मैंने बोला है। नहीं, वी आर मैचिंग योर प्रायर इन्वेस्टर। हां ठीक है। अभी क्या कैप टेबल है आपका और कितने एडवाइजर्स हैं आपके पास विनीत? टोटल 14 एंजल इन्वेस्टर्स हैं। और कितने परसेंट इक्विटी है उनके पास? 15%, वही 7 CR के वैल्यूएशन। देखो, मेरे को क्या लगता है ना विनीत, मैं इंटरेस्टेड हूँ और ये एरिया काफी क्लोज भी है मुझे पर्सनली, पर मुझे लगता है आपके पास बहुत एडवाइजर्स हैं यार, तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट होगा, पर एक ही कंडीशन पे होगा कि आई वॉन्ट अ सीट एट द टेबल जिससे आप मेरे साथ लग के काम करो। मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ एंड मैं आपसे 12% इक्विटी लूंगा और मैं ये अकेले करना चाहूंगा। काफी अच्छी ऑफर्स है आपके पास एंड मुझे लगता है मैं वो खत्म तो करने दो, इसलिए मैं दे देना। हाँ, तो वो अभी बहुत लंबा चौड़ा कहानी बताएंगे। तो पहले मैं आपको भी बता देती हूँ कि ये बहुत ही वेरी पैशनेट अबाउट दिस स्पेस, तो मुझे लगता है पीयूष इज अ ग्रेट पार्टनर। आपके पास बहुत अच्छी ऑफर भी है, ये वाला एक यू नो समथिंग इज वेरी क्लोज। हां, बोल 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 बोल। तो मैं इससे अभी आउट हूँ, पर मैं आपके साथ फ्यूचर में एज अ बिजनेस मैं जरूर आपके साथ सेपरेटली पार्टनर करूंगी। अगर आपको इसको रियली में इंपैक्ट लाना है तो कैसे लाया जाए? एक टेक्नोलॉजी टीम बनाई जाए, हम इसको भले लेंसकार्ट पे भी इंटीग्रेट करना पड़े, वो भी करेंगे। मुझे नहीं लगता आपको 12% इमीडिएटली देना चाहिए और आपको 3 शार्क मिल रहे हैं फॉर ओनली 4%। सो थिंक अबाउट दैट। विनीत, आप जो बना रहे हो ना, आप एक क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म बना रहे हो। यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? यस यस। वन ऑफ द बिगेस्ट क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म इन दिस कंट्री इज बीन बिल्ट बाय अस। तो उसे कैसे बनाना है वो हम समझते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले ऑफर किया था। सो मेरा काउंटर शार्क ये है कि अगर आप लोग सब आ जाए एट 1.2 CR एट अ पोस्ट मनी ऑफ 12, क्योंकि मेरे को 10% के आसपास डाइल्यूट कर सकते हैं। पीयूष 90 या 1 CR, इनफैक्ट अगर 1 CR भी पीयूष इज कंफर्टेबल। नहीं, चारों स्प्लिट करेंगे ना? नहीं, उनको वैसे नहीं चाहिए, लेट हिम से व्हाट ही वांट। आई एम मोर कंफर्टेबल अगर पीयूष 90 दे और बाकी सब 30। और ये क्यों? जरा जस्ट टू अंडरस्टैंड शख्स, मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और मेरे को ऐसा लगता है कि पीयूष could help me do that, and dusra I also wanted other sharks because I think isko milke solve karne ka zarurat hai, ye aise solve nahi hoga. Yeah, so fair point. To main kya keh raha hu, aapko counter batata hu. I'll put in 45 lakhs, Piyush will put in 45 lakhs, baki they will put in 15 and 15. Is that okay? Yeah, yeah. If Piyush agree. Mere ko lagta hai aapki sabse badi problem hi hai ki there are too many people. इसीलिए इतना कंफ्यूजिंग बिजनेस है, ये आज बिजनेस लग नहीं रहा। तो मेरा ऑफर स्टैंड है, मैं 1 करोड़ 10% कर सकता हूँ, नॉट 12%। पीयूष को हम चारों नहीं चाहिए, तो वो अकेला आना चाहते हैं, हम तीनों अभी भी रहेंगे। विनीत, मेक अ डिसीजन, वी वांट टू सपोर्ट योर कॉज। पीयूष, आपको बाकी शार्क्स एकदम भी नहीं चाहिए। जितने लोग उतने व्यूज होंगे ना, मुझे व्यूज को कम करना है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरे वाले डील में, आप बोल दो 1 करोड़ और बाकी लोग 30 लाख डालते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ 14 लोग हैं वहाँ 17 हो जाएंगे, बट मेरे को 45 लाख रुपए डाल के वही 5% फिर इक्वल शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। अभी इनको कोई अलग टाइप की डील करनी है फॉर सम अदर रीजंस दैट ही नोज बेस्ट, तो वो फिर आपके बीच में। नहीं नहीं, आई डोंट, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अरे व्हाट अदर टाइप, अदर रीजन आर यू सेइंग? आई डोंट नो यार पीयूष, तुमने यहाँ बैठ के 10 डील किए विद 3-4 पीपल, आई डोंट टॉक रबिश कि 15 लोग है 20 लोग है। You have got into cap tables, there are 50 people and 100 people. But this is not a cap table. It is very clear, yaar. Don't make up reasons. आप एक काम कीजिए, मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। आप अमन, नमिता और पीयूष को ले लीजिए, मैं आउट हो जाता हूँ।
Calm down. Breathe. Breathe. I'm out. I wish you all the best. देखिए मिस में मेरा कुछ नहीं बनेगा कि मैंने पैसे डाल दिए पर्पस के लिए बट somebody else is driving the agenda. अभी इनका क्या एजेंडे है यही जाने. Right? Why he wants to do that? और ऐसी डील में मैं नहीं जाऊंगा. If they want, they can come in along with Piyush where he can have the biggest seat at the table. फिर आप जाने और पीयूष जाने. We have no problem with that. विनीत, I think आज आप इनकी डील लो. मैं आउट हूँ. मैं बाहर होता हूँ. आई एम गेटिंग आउट विनीत. आप डील ले लो अमन और नमिता से. ठीक है. Done. We'll do it. विनीत, पीयूष आउट हो गए. ठीक है, अभी आपके पास एक ही ऑफर है, मैं और नमिता का. हम लोग शुरू से डील के लिए नहीं आए थे. हम अपना कोई कॉर्पोरेट एजेंडा भी नहीं कर रहे थे. हम आपको सपोर्ट कर रहे थे. हम इम्पैक्ट के लिए आए थे. 30 lakhs और 3% इक्विटी, फाइनल ऑफर. मेरा वही चेक शुरू से तैयार था, पता लगा. Well done, Vin. ये चेक ले लो और देश के लिए अच्छा करो. Good luck. Very well done. Thank you. Thank you. Boss, stop making accusations about somebody's personality. Then you stop playing a big boss that these guys can come on the cap table. He is exactly in the same situation right now. We are 14 advisors and now also he was not able to make a decision. But you're, I don't want to be in that business. But you're saying, let them come on, I'll sit at the head of the table. What does because that mean? I only want so to. Then I'm going to call it as it is, bro. No, you've been, I want to be at the head of the table. Then I'm going because to say what I business, need to say. It's my choice, right? Then I'm going to say what I want to say. That's so my then choice. Say it, don't disrespect. I did say it. I did not disrespect you. I yes, said, I don't know what anybody this else is has. What Piyush means. I didn't know. I said, I don't know what his agenda is. That's his agenda. I'm not fighting. That's exactly what you just did. I'm not fighting. Be clear about what you're doing. You can't fight and then say, I'm not fighting. That's idiotic, man. Be Time smart. Out. Stop trying to be the hero, man. Nay, nobody's trying to be a hero. We're happy you got a deal. Let's move on. Move on. लखनऊ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? खाना, शेरो शायरी या फिर बात करने की अदब? ऐसी लखनऊ के कोने कोने में एक नया कलाकार है एंड ऐसी ही एक कला सालों पहले बेगम नूर जहान ने दुनिया भर में मशहूर की थी. वो है हमारी चिकनकारी. ये इतनी फेमस है दैट इसको लखनऊ का GI टैग भी मिला है. एंड चिकनकारी बहुत इजीली आपको मिल तो जाती है बट ये इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज है जिस वजह से कस्टमर्स को क्वालिटी अश्योरेंस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द कारीगरी जो हैंडवर्क है वो नहीं मिल पाता. एंड उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम माँ बेटी ने स्टार्ट किया हाउस ऑफ चिकनकारी. अरे बहुत अच्छा. वेरी नाइस. नमस्ते शार्क्स. मेरा नाम है आकृति रावल. नमस्ते. और मैं हूँ पूनम रावल और हम दिल्ली से आए हैं. हम हैं फाउंडर्स हाउस ऑफ चिकनकारी के. हाउस ऑफ चिकनकारी एक ई कॉमर्स ऑनलाइन ब्रांड है जहां हम अपने चिकनकारी को मॉडर्न स्टाइल में और लोगों को दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाते हैं. एंड हमारी 2 साल की जर्नी में हमने 5,000 से ज़्यादा वेमेन कारीगर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है. 15,000 से ज्यादा कस्टमर्स हमारे वेबसाइट से शॉप कर चुके हैं. हमारी विजन यही है हम इस क्राफ्ट की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हुए इसे एक मॉडर्न ऑडियंस के लिए रेलेवेंट बना पाए. एंड उसी विजन को पूरा करने के लिए आज हमारी आस्क 75 lakhs और 1% ऑफ आवर इक्विटी है. हमें ये पूरा विश्वास है दैट चाहे पुरुष हो या नारी सबको भाएगी भारत की चिकनकारी. पूनम जी, आकृति जी, आपका शार्क टैंक पे बहुत बहुत स्वागत है. आप दोनों माँ बेटी हैं?
हाँ जी। तो विनीता जानना चाहेंगी आप कैसे मिली? हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं काम। हाँ जी। तो आप दोनों ने कब शुरू किया ये? जब कोविड के दौरान लॉकडाउन में मेरे को बहुत पैशन था अपने ड्रेस डिजाइन करने का। हाउसवाइफ थी तो मैं कुछ ना कुछ डिजाइन करती रहती थी, कुछ भी नया नया, तो जिससे एम्ब्रॉयडर और टेलर मेरे टच में रहते थे। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में मेरे हाथ के कारीगर ने मुझे अप्रोच किया काम के लिए, तो मुझे लगा कि चलो इससे, मैंने ऐसे डिस्कस किया कि भाई ऐसे ऐसे उसको प्रॉब्लम है, हाथ की कढ़ाई है, तो अगली रिसर्च इन्होंने स्टार्ट करी, ये बताएंगी क्या किया इन्होंने। मैंने अपना अंडरग्रेड लंदन से कंप्लीट किया, किंग्स कॉलेज लंदन से। 2018 में आई ग्रेजुएटेड। मैं 2019 में इंडिया वापस आई थी एंड मैंने एक साल एक फैशन स्टार्टअप के साथ 2019-2020 कोविड में काम करा था। उस टाइम पे जब ये आया प्रोडक्ट का और कारीगर वाला चीज, तो मैंने हैंड एम्ब्रॉयडर इंडस्ट्री पे बहुत रिसर्च करी एंड आप थोड़ा साइड हो जाएंगे, हाथ बहुत चल रहे लगना जाए। वैसे कंटिन्यू प्लीज। देन इन्होंने मुझे अपनी क्लोजेट से चिकनकारी कुर्ताज दिखाए एंड देन मैंने इनसे पूछा कि आप मेरे को बताओ कि इसका क्या प्राइस है, एंड देन शी सेड 2500 रुपए। एंड लाइक यू नो दैट मोमेंट व्हेन इट हिट्स यू, दिस इज इट। लाइक मेरे लिए वो मोमेंट था, क्योंकि वो 2500 की चीज है, वो हाथ से बनी है एंड आज लोग खड़े खड़े मशीन मेड चीजों के लिए यू नो। तो तब जाके आपकी जर्नी शुरू हुई। हाँ जी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, चिकनकारी क्या होता है? लखनऊ के आसपास यूपी में जितने भी गांव हैं जहां पर 10 लाख से ज्यादा आर्टिसंस कारीगर सिर्फ इस आर्ट फॉर्म को सदियों से कर रहे हैं, उनकी फैमिली। मतलब ये हैंड एम्ब्रॉयडरी? हां जी, ये सब हैंड एम्ब्रॉयडरी है। तो लाइक अगर आप देखेंगे थोड़ा अमन सैंपल्स देखना चाहोगे? हां एक्चुअली आई विल शो द प्रोडक्ट, आप टच करके देखेंगे। ये फॉर मेन, ये वाला मेन का है, ये द ग्रीन वन। हां जी, आई लव चिकनकारी। ये क्या, ये कुर्ता है? रेड इज माई फेवरेट कलर। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो आप डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हैं चिकनकारी एंड मशीन मेड चिकनकारी में? जो लंबे थ्रेड्स निकल रहे हैं वो एक्चुअली हैंडवर्क की पहचान है। हमारी प्राइस रेंज जो स्टार्ट होती है वो 2350 फॉर कुर्ताज, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बेस्ट सेलिंग कैटेगरी भी है हमारे लिए, से लेकर 6000 to 7000 फॉर हैवी सेट्स। लाइक जैसे आप ये देख रहे हैं जो सेट है, ये 7000 के अराउंड है ग्रीन। आप लोगों को फर्क पड़ता है मशीन और Yes. मैं जब भी लखनऊ जाती हूँ मैं वहाँ जाके लोकल दुकानों से खरीदती हूँ, बिकॉज मेरी मॉम मदर इन लॉ दोनों को ये हैंडमेड जो लखनऊ में बने हैं वो बहुत पसंद है। Okay, ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, बहुत सुंदर है और जिस हिसाब से आपने लेबल पे पर्सनलाइज किया ना, आई एम 100% आर्टिसनल, आई एम टू बी हैंडल्ड बाय केयर, तो अच्छी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन। बीबा डब्लू ऋतु कुमार के चेन्स हैं इसमें और भी बहुत लोग आए हैं, वो लोग नहीं करते हैं प्रोडक्ट्स? फैब इंडिया, तो फैब इंडिया डस चिकनकारी, बाकी लोगों में मैंने इतना अभी तक नहीं देखा है। फैब तो इंडिया और उनमें फर्क क्या है, मेन क्या है? उनके पास एक दो पीसेस होते हैं ना, यहाँ आपको पूरी रेंज ऑफ वैरायटीज मिलती है ना, आपको पूरा एक फोकस। आप नंबर वन है इसमें ऑनलाइन? आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर। ऑफलाइन आल्सो यू आर नंबर वन? अभी 2 साल में हम सिर्फ अपनी वेबसाइट पे, हम मार्केट प्लेसेस पे भी नहीं गए, हमें जाना है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो रेडीमेड आप साइजेस पहले से बनवा के रखते हैं, ऑर्डर आता है डिस्पैच करते हैं? हां जी। आपकी सेल्स का बताएंगे आप? हां जी, फाइनेंशियल ईयर 21 में हमने 33 लाख किया था, 22 में हमने 3.3 करोड़ किया, वेरी नाइस, एंड अभी हम ऑलरेडी अप्रैल टू सितंबर 7.4 करोड़ कर चुके हैं। वाओ, वेल डन। We are expecting at least minimum to touch 15 crores in financial year 23. Very nice. Very nice. And you're doing it all by yourself? Yeah, us and obviously our team. Like we are 70 people in our team, so. 70? Yeah, 70, 60 are operations, 10 are in like management. Are you making, मतलब पैसा बना रहे हो या? हाँ जी. कितना कैसा बनाया? तो हमारा gross margin around 68 to 70% on average है last 6 months का. And हमारा net profit average is 15. Last month हमारा 17% था net profit. और कितना बना लोगे इस साल? Net profit 15 करोड़ पे net profit. 15 करोड़ पे 17% is what I think. मतलब 2 करोड़ के आसपास. हाँ जी. अच्छा last month आपने sales नहीं बताया? Last month sales हमारी 1.82 crores. 1.82 crores. तो सिर्फ 15 करोड़ क्यों करेंगे? Is that because of the season festive? हाँ जी. You must have raised investment, कुछ पैसा raise किया? तो अभी तक हम bootstrapped हैं. Amazing. मेरे dad ने invest किया business. कितना? First about 70 lakhs he's invested. कितनी equity दी उनको? मतलब उनके 25% है. Well done. 70 lakh को उन्होंने मतलब कमाल कर दिया. What a great businessman.
मुझे ना आपके कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहले आपके कस्टमर्स कहाँ से आते हैं? Currently our 33% sales are international. कहाँ, मतलब is it just दो तीन countries के काफी? 33% is all six to seven major countries. 14% उसमें से हमारा US है. Five is Australia. Four is UAE and Canada, UK is around three each. कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बिकती है? स्ट्रेट कुर्ताज एंड कुर्ता सेट्स. स्ट्रेट कुर्ताज अकाउंट फॉर 47% ऑफ आवर सेल्स. ओके, एंड रिपीट कस्टमर्स क्या है आपके? 33% ऑन एन एवरेज. या इन्वेंटरी कितने महीने की है और डेड स्टॉक परसेंटेज, ये दो नंबर बता दो. अभी हमारे पास इन्वेंटरी जो इन हाउस है वो नेक्स्ट टू मंथ्स की रेडी है. लास्ट मंथ हमने 5500 पीसेस भेजे थे, तो अब 10,000 से 11,000 पीस इन स्टॉक है. ओके, एंड डेड स्टॉक 10,000 में से अप्रोक्सीमेट आइडिया अगर मैं दूंगी तो वो अभी इस टाइम पे 400-500 से ज्यादा नहीं होंगे. आप मुझे अपना प्रोसेस बताएंगे, तो आप कैसे मैन्युफैक्चर कराते हैं, क्या सप्लाई चेन है? अक्टूबर 2020 में हमने लॉन्च किया था ब्रांड. पहले 10 मंथ्स के लिए इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे हम ऑर्डर्स लेते थे और मैं अकेले उस टाइम पे मैनुअल ऑर्डर्स लेती थी. वेरी गुड. जब हमने वेबसाइट लॉन्च किया जून 2021 में, हमारी सेल सीधा 5x हो गई उस महीने. वो एक महीने ने हमें रियलाइज कराया कि कितना मिस्ड पोटेंशियल था, क्योंकि कितना पीपी और डीएम्स का आप रिप्लाई कर लो. गॉट इट. एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आप पूछ रहे थे, प्रोसेस हमारा ये रहता है दैट हमारा डिजाइन प्रोसेस, डिजाइन हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से शेयर करते हैं एंड उसके बाद हमारे मैन्युफैक्चरर हमें सैंपल रेडी करके भेजते हैं, क्योंकि ये बहुत अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है. उन लोगों ने इतने सिस्टमैटिक वे में एक तो काम नहीं करा है, बहुत डिफिकल्ट है उसको सिस्टमाइज करना भी, क्योंकि वो लोगों को समझ नहीं आता कि अच्छा डिजाइनर डिजाइन भी भेजता है. Got it. आपको क्या चीज ड्राइव करती है? What is your motivation? मुझे ड्राइव सीखने से मिलती है. तो लास्ट दो साल में क्या सीख लिया आपने? I think my biggest learning is कस्टमर को समझी हूँ मैं, क्योंकि 10 महीने मैंने हर कस्टमर से अकेले बात करी है. आज भी हमारे वो कस्टमर्स आते हैं और वो बोलते हैं मुझे आकृति से बात करनी है. एंड आई एम ऑलवेज देयर. आई वांट दैट, यू नो, टच, क्योंकि वो मैंने खुद शुरू किया था. कस्टमर्स के बारे में मैंने सबसे ज्यादा सीखा. पर्सनली आई थिंक मैंने कामनेस सीखी. तो मतलब ऐसी छोटी छोटी बहुत बातें है, लाइक दिस इज जस्ट एक एग्जाम्पल है ये. बहुत अच्छी. ठीक है, मैं आपको ब्रेक देना चाहता हूँ 2 मिनट की, मैं पूनम जी से बात कर लूँ. हाँ जी, प्लीज. पूनम जी, कैसा लग रहा है आपको ये, इन 2 years आपने इतना बड़ा बिजनेस बनाया है? आकृति का जैसे जो सपना था, क्योंकि मैं तो माँ, मुझे पता है मेरा बच्चा बचपन से मुझे यही कहती थी कि मुझे अपना ब्रांड बनाना है. मैं तो यही सुनती थी हमेशा इसके मुंह से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कैसे होगा. इसको भी नहीं पता था क्या होगा, लेकिन जो भी हमारी जर्नी ऐसे हुई तो मुझे तो बहुत अच्छा. इससे ज्यादा मुझे वो बच्चे जो मेरे घर पे जितने हेल्प्स के बच्चे थे, मेरे जो घर पे सफाई करने आती हैं, जैसे उनकी डॉटर आई गांव से, उसने किया, गार्ड के बच्चे आए, ड्राइवर के बच्चे, मालिक की बीवी, आज वो सब सुपरवाइजर है. आपको उसी से खुशी है? जब यहाँ खड़े हैं वो सब संभाल रहे हैं ऑफिस. देखिए आकृति, आप इमोशनल क्यों हो रही हो? आकृति, ऑल ओके? खुशी के आंसू है, आई होप. मम्मी जी, पूनम जी, एक हग कर दो, हग कर दो एक. इसने मुझे बहुत पक्का किया था कि आप नहीं रोगे. नहीं, वो खुश है ना कि उसका सपना पूरा हुआ है. मम्मी खुश है. ये चीज है, जब ये बाहर जब पढ़ रही थी, इसका भी एक सपना था कि मेरी माँ बिजी हो जाए किसी. और ये सेवा ही लगाई है, उन बच्चों की जिंदगी बन रही है, इसकी बनी तो दोनों चीज, बच्चों की बन रही है और गांव में कितने लोगों को सपोर्ट हो रही है. तो ये मेरा भी एक, मतलब एक जिंदगी का एक पर्पस मुझे भी तो मिला. चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ एक. मेरे को ना सबसे अच्छी बात पता क्या लगी, कि आपने कस्टमर से अपने आप बात करते हो. वो मैं भी करता था, मुझे वो बहुत क्रेजी लगता है, क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर से बात करते हो ना, आपको एक्चुअल पता लग जाता है. आपका रिलेशनशिप मेरे को बहुत अच्छा लगा. चुम्मा बेटी का हसलर हो आप. और पूनम जी, मेरे को एक चीज ये अच्छी लगी कि आपने अपने जो आसपास लोग थे ना, जिनका आप ध्यान रखते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैं आपको ऑफर देता हूँ 75 lakhs फॉर 5%. मैं अपना डिसीजन बता देती हूँ. फर्स्टली हैट्स ऑफ टू यू, बट ब्रो को सोलो जाना है और भाई से मैं लड़ नहीं सकती, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. बट आप इन्हें ही डील दीजिए, बिकॉज देन आई विल बेनिफिट अ लॉट. थैंक यू सो मच. नमिता, आपको लगता है मुझे नहीं मिलनी चाहिए डील? नहीं, भाई को मिलनी चाहिए. ओह माय गॉड, फेवरेट चाक है मेरे. आकृति और पूनम, आपका यू नो अभी तक का जो परसिस्टेंस है कि आपने अपने कैश से इतना बड़ा बिजनेस बनाया, इनक्रेडिबल है. थैंक यू सो मच. तो मैं और अनुपम आपको ऑफर देते हैं.
75 लाख रुपीस फॉर 6%, क्योंकि हमें यू नो 3% ओनरशिप चाहिए जिससे हम इसमें अपना टाइम एंड एफर्ट ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें, आपको हेल्प कर सकें बोथ इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग. थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर. देखो व्हेन यू एंटर ना यहाँ पे आप आए सूट लगा हुआ था तो मैंने अपने मन में एक दिमाग बनाया था यार मैं शायद इन्वेस्ट नहीं करूँगा इस बिजनेस में. बट एज एन एंटरप्रेन्योर दैट टेक्स प्रेसिडेंस, मतलब तो आई एम कन्वर्टेड नाउ बिकॉज आपसे मैंने पूछा था कि आप क्या इंजॉय करते हैं और आपने कहा आप लर्निंग इंजॉय करते हैं, राइट, एंड दैट इज माई मोटिवेशन ऑल्सो. मैं आपको ऑफर देता हूँ 75 लाख 5% और अगर मेरे साथ अमन जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसके लिए ओके हूं. ठीक है, मैं पीयूष के साथ आता हूं. आप लोग 75 लाख फॉर 2% कंसिडर करेंगे? 2% नहीं, ये जो मेंसा और ये जो है ना ये सब 5 टाइम एबिट्टा पे बिजनेस रोल अप करते हैं, हम आपको भी 10 टाइम दे रहे हैं अज्यूमिंग कि बिजनेस इसी रेट पे ग्रो करता जाएगा. ये मैंने तो वैल्यूएशन मैथ ऐसे निकाली थी. आई एम विलिंग टू डू इफ अमन इज ओके 75 लाख फॉर 4% लास्ट. चलिए हमने मैच किया 4% 75. Aman and Piyush, would you guys be willing to consider for 3%? We'll close the deal, right? यार मुझे एक बात बताओ, अब आपको हमने ठीक है तो I'll do one thing, I'll not 4%. You know, since we are negotiating, we'll close it. I'll say the final figure and let's just close it. ठीक है? Okay. So I'll say it 75 lakhs for 3.75%. That's okay. Okay, done. Let's do it. Good job. Well done. Thank you so much for the offer. And Poonam ji. I'm sorry, I had to choose. I wish I could get everyone. You are a great entrepreneur. Good choice. मैंने life में नहीं सोचा था, life में. मैंने भी नहीं. मैं जब आया था ना, मैं 15 मिनट में आउट होने वाला था, 15 मिनट में. आपने जो convert किया है ना, आपने और आपने भी. This is an amazing deal. Two men supporting two women for chicken curry. Wow. Now I have another reason to go to Lucknow. Thank you so much. And I have another reason to have another chicken curry in my I'm still not able to believe that I've invested in a chicken curry business. You know, frankly speaking, I don't invest in business. I invest in entrepreneur. इससे अच्छा entrepreneur अगर invest नहीं करोगे तो किस पे करोगे यार? They were fabulous. बहुत अच्छा कर रहे थे यार. For everything, every ticks energy, were right. Energy, was amazing. Good business. It went well. समझा क्या ये? It's actually jewelry. I think I know what it is. I'm not going to tell you now because... Oh, or is it the gifting wala, I love you wala? It's a very cringy thing, man. Oh, no. जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ जाती है और रह जाती है तो बस यादें। वैलेंटाइन डे पे मिला वो पहला गुलाब का फूल, ग्रेजुएशन सेरेमनी की वो स्पेशल हैट और हमारे न्यू बॉर्न बेबीज की वो पहली तस्वीरें। लेकिन ये निशानियां जिंदगी भर टिक नहीं पाती, फूल मुरझा जाते हैं, हैट खो जाती है और तस्वीरें धुंधली पड़ जाती है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो जिंदगी भर टिकती है और वो है हमारा डीएनए। डीएनए हमारे बालों में होता है, हमारे दांतों में होता है, बेसिकली हमारी बॉडी का सब कुछ डीएनए है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने लव्ड वंस के डीएनए से एक खूबसूरत ज्वेलरी बना सकते हैं तो क्या आप बनाना चाहोगे? What? Yes.
There is something called DNA jewelry. और यही लेकर आज मैं आप सबके सामने आई हूँ. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रीति मग्गो. मैं दिल्ली से हूँ और मैं लाई हूँ अपना ब्रांड मैजिक ऑफ मेमोरीज. मैजिक ऑफ मेमोरीज एक ऐसा अनोखा ब्रांड है जो आपके डीएनए को आर्ट फॉर्म में प्रिजर्व करके एक खूबसूरत कस्टम मेड ज्वेलरी बनाता है. उदाहरण के तौर पर, एक औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम होता है उसके न्यूबॉर्न बेबी के साथ. वो उसके छोटे कपड़े, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, सब कुछ प्रिजर्व करके रखती है. लेकिन एक चीज ऐसी है जो कोई प्रिजर्व नहीं करता, और वो है ब्रेस्ट मिल्क, यानी माँ का दूध. लेकिन हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करके खूबसूरत ज्वेलरी बनाते हैं. इसके अलावा हम पेट डीएनए और ब्लड की ज्वेलरी भी बनाते हैं, और लोगों के देहांत के बाद उनकी यादों को ताजा रखने के लिए मेमोरियल ज्वेलरी भी बनाते हैं. 2019 से अब तक हमने 500 से ज्यादा ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं. आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और हमारी वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हैं. मेरा विजन है कि डीएनए ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट हम सब तक पहुंचा सके और उनकी सुनहरी यादों को खूबसूरती के साथ कैद कर सके. इसके लिए मेरी आस्क है 25 लाख पे 5% इक्विटी. तो शार्क्स, हमारे साथ जुड़िए और अपनी मेमोरीज को और भी मैजिकल बनाइए. आपने क्या चीज पहना है? ब्रेस्ट मिल्क ज्वेलरी ऑफ योर मॉम. ऑफ मी. तो आप एक माँ है मतलब? जी, मेरी 5 साल की बेटी है. वाओ. और ये आपकी बेटी आपकी प्रेरणा थी क्या? सॉरी. जी. वेलकम प्रीति. शार्क टैंक पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका अभी भी डाइजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि काफी मुश्किल है, तो जरा इसको समझाइए. ये डीएनए ज्वेलरी कैसे हुआ? मतलब बाल, दांत और इसमें क्या रिश्ता? व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए? मतलब पेंडेंट के अंदर बाल है क्या? जी, पेंडेंट के अंदर बाल है, पेंडेंट के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड है, पेंडेंट के अंदर बच्चे का पहला दांत है और ब्रेस्ट मिल्क है. तो ये सब चीजें एक डीएनए है, तो इसलिए ये डीएनए ज्वेलरी है. तो एक काम करते हैं, इस पिच में थोड़ा प्रोडक्ट पहले देख लें. जी जी जरूर. बताने में किसका क्या होगा इसमें? नो नो, आपको कुछ नहीं होगा. नहीं, मेरे को कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन किसका क्या होगा इसमें? पर वैसे आपने डाला किसका डीएनए इनमें? ये मेरे क्लाइंट्स का. यार रख दो यार, कहां के उसके क्या होगा भाई. थैंक यू. ओ, ये वाले में बाल दिख रहा है. सॉरी. दैट इज बेबी का फर्स्ट बाल. मुझे नहीं देखना. तो इसमें इसमें ब्रेस्ट मिल्क है और? ओ भाई साहब, अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल कॉर्ड है जी. एक बात सिर्फ साफ कह दीजिए आप, ये चॉकलेट्स में कुछ डीएनए है कि नहीं? नहीं, ये हमारी होममेड चॉकलेट्स है. You're sure, right? जी. Okay, thank you. This is hair and breast milk. You don't take this badly. जब मैंने मेरा काम शुरू किया था, बहुत हंसते थे लोग मुझ पे. मुझे भी, मेरे पे भी बहुत हंसते थे. लेकिन आपने ऐसा क्या हुआ कि आपको प्रेरणा मिली कि इसको डीएनए ज्वेलरी बनाएंगे जब आपकी बेटी पैदा हुई? मैं पीयूष पंसल जी को बताना चाहती हूं कि मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूं. ओह वाओ, दैट चेंजेस एवरीथिंग. सडनली लाइक्स दिस बिजनेस. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. और मैं ऑप्टिकल शॉप और मैंने आई हॉस्पिटल में भी जॉब किया है. और 2017 में मेरी बेटी जब पैदा हुई तो मैंने जॉब छोड़ा. जर्मनी में एक कॉन्सेप्ट मैंने इसको देखा, इस एक आर्टिकल पढ़ते हुए. जब आप बहुत ही बेहतरीन ज्वेलरी एक आर्टिस्ट बना रही है और वो बहुत फ्लरिश कर रहा है उनके कंट्री में वो बिजनेस, और मुझे वो ज्वेलरी पहले अपने लिए खुद के लिए चाहिए थी, बट वहाँ पे मुझे अपना ब्रेस्ट मिल्क भेजना और मेरे से ज्वेलरी बनवा के लाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था. तो उस टाइम मुझे ये आइडिया आया, क्यों ना मैं ये इंडिया में स्टार्ट करूँ. तो इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से कोर्सेज करे, और अपनी रिसर्च करने के बाद 2019 अगस्त में मैंने ये बिजनेस स्टार्ट. क्वाइट बोल्ड. वाओ. आपने और भी सोचा था कुछ करने को या सीधा आपने सोचा यही बेस्ट है? मेरा थॉट जब मैंने इसको पढ़ा उसके बाद कहीं और गया ही नहीं.
कस्टमर जर्नी मुझे एक्सप्लेन कीजिए. एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है फ्रॉम ऑर्डर टू ऑर्डर फुलफिलमेंट? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे मैक्सिमम जो कस्टमर्स है वो इंस्टाग्राम से आते हैं. ओके, कितने फॉलोअर्स है आपके? 60,000. वाओ वाओ वाओ. एंड वो सब ऑर्गेनिक है. काफी वीडियोस मेरी वायरल गई तो उसके बाद. आप वीडियोस है को दिखाएंगे हमें कैसे होता है? ये रेड पार्ट जो है वो शादी का थ्रेड है. ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें तो कुछ ऑकवर्डनेस है नहीं. बट वो चाहते थे कि मेरी कीपसेक में वो भी यूज हो. तो मैंने वो यूज करा. उसके बाद मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड डाला. उसके बाद ये मैंने इसके अंदर वाइट कलर का, दिस इज ब्रेस्ट मिल्क सो आई प्रिजर्व द ब्रेस्ट मिल्क. उसके बाद मैं इसके बाद ब्रेस्ट मिल्क को पोर करूंगी इसके अंदर. तो मैंने ये ब्रेस्ट मिल्क को पोर करा. को सॉलिडिफाई कैसे किया आपने? मेरे पास एक अपना यूनिक फार्मूला है जिसमें मैं ब्रेस्ट मिल्क को डिहाइड्रेट करती हूँ, उसके बाद उसको मैं रेजिन में ही कन्वर्ट करती हूँ. तो आपको नहीं लगा कि 3 साल में अगर सिर्फ 500 मेरे यूनिट बिके हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग 60,000 इंस्टा फॉलोअर्स, मे बी इसका डिमांड नहीं है इंडिया में? डिमांड है बट मैं ऑर्डर्स उतने नहीं ले पाती हूँ. मैं ये समझना चाह रहा था कि लोग तो एक बार आप ये दरवाजा खोल देती हैं कि यू कैन प्रिजर्व योर मेमोरीज, तो कुछ भी लेके आ जाते होंगे रिक्वेस्ट. जी, थोड़ा रेंज बताएंगी? एंड डोंट होल्ड बैक, कोई एक्सट्रीम केस भी हो तो बता देना. मेरे पास कुछ लोगों ने बोला कि आप स्पर्म प्रिजर्व कर सकते हैं. कुछ ने बोला कि आप पॉटी को प्रिजर्व कर सकते हैं. जाके सबको बताइए कि शार्क्स नहीं है, ये एक स्कूल है, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ एक हेड मिस्ट्रेस बैठी है. आपने स्पर्म वाली रिक्वेस्ट का क्या किया? ऑब्वियसली मैंने भाई ब्लड ज्वेलरी. ब्लड इज ओके मैम, मैटरनल मिल्क इज ओके बट स्पर्म इज नॉट. नो. क्यों? जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका जो केमिकल कंपोनेंट आप देखेंगे उसमें लिपिड्स है, फैट्स है, उसको प्रिजर्व करने का एक कम्प्लीटली डिफरेंट मेथड है जो मुझे आता है. जब स्पर्म के बारे में पूछा आपने एक शक्ल बनाई कि नो नो आई विल नेवर डू दैट, राइट? तो लेकिन देखा जाए तो अल्टीमेटली वो भी एक बॉडीली फ्लूइड है. मेरे पास इतने सारे रिक्वेस्ट में सिर्फ एक अकेला स्पर्म का रिक्वेस्ट आया तो मैं उसके लिए पूरी ज्वेलरी का एक लाइन क्यों बनाऊं? ठीक, चलिए. चलो बिजनेस पे आते हैं. अभी आपके नंबर्स क्या है, सेल क्या है, लास्ट मंथ कितनी सेल हुई? तो 2019 अगस्त से मेरा सेल रहा है 8 लाख. उसके बाद 2020 कोविड ईयर में 17 लाख. उसके बाद 2021 में 27 लाख. और अब तक मैं 24 लाख कर चुकी हूँ. और लास्ट मंथ कितना किया आपने? 4,17,000. और तो आप बहुत एक्सपेंसिव है. एग्जैक्टली 80 लाख फॉर 500 पीसेस. जी, क्योंकि मैं सिल्वर एंड गोल्ड में ज्वेलरी बनाती हूँ. तो आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज 11,000. और आपका प्रॉफिट कितना था लास्ट में? मेरा ग्रॉस मार्जिन 55% था. पर प्रॉफिट कितना आपने, आपने खुद कितना? नेट मार्जिन इज 50%. 2 लाख कमाया इन्होंने लास्ट महीने. कौन है ऐसे कंज्यूमर्स, किस टाइप के लोग ये खरीदते हैं? 90% मदर्स. मदर को कुछ भी प्रिजर्व करना है या उनको ब्रेस्ट मिल्क ही प्रिजर्व करना है? या अगर आप उन्हें बोले कि मैं खाली हेयर प्रिजर्व करके आपको पेंडेंट बना के दूंगी, इसको पूरी कम्युनिकेशन को सिंपलीफाई कर दूंगी, तो मदर्स विल नॉट बी हैप्पी? खाली हेयर का भी बनाती हूं. हां, मैंने वो लव हेयर से लिखा है. वाओ, बट यू हैव गिवन इट अ वेरी एस्थेटिक सेंस. बहुत है, लगता नहीं है कि ये हेयर से बना. जी, तो बट इट आल्सो हैज द इमोशन. या एक्चुअली हेयर में कोई वो भी नहीं है, एक्सेप्टेंस में भी कोई इशू नहीं होगा, इजी टू अंडरस्टैंड है और इमोशन भी पूरा कैप्चर हो सकता है. तो आपने खाली सोचा कि खाली इसी पे फोकस करा जाए और बाकी? मेरा आइडिया है कि ये मार्केट काफी वास्ट है तो हेयर पे ही क्यों सीमित रहना. ये नया कॉन्सेप्ट है. जब आप नए कॉन्सेप्ट को इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं कि हमको भी समझने में इतना टाइम लग गया, तो जो फ्रिक्शन है ना यूजर डिसीजन का, वो बहुत आ जाता है. 90% का कितना ब्रेस्ट मिल्क है वो बता दीजिए तो उनको पता चलेगा. वो तो ऑफर कर रहे हैं तो लोग ले रहे होंगे, आई एम प्रीटी श्योर. बिकॉज़ मेरा 50% उसमें से अगर आप देखें तो ब्रेस्ट मिल्क आता है. नई कैटेगरी में जो एक्सेप्टेंस होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है. बात तो सही.
तो मैं अपना डिसीजन बना चुका हूँ. जैसे जब बच्चे होते हैं ना तो वो एक वो आजकल एक बुक भी आती है उसमें यू नो फर्स्ट हेयर फर्स्ट टीथ वो सब रख लेते हैं. स्क्रैप बुक टाइप्स होती है. वहाँ तक तो समझ आता था मुझे बट थोड़ा सा मेरे आउट ऑफ बाउंड है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बिजनेस कैसे बनेगा. मैं रिलेट नहीं कर पा रहा. सो अनफॉर्चुनेटली आई एम. मेरा भी डिसीजन बन गया प्रीति. तो मुझे नहीं लगता ये बिजनेस स्केल कर पाएगा. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. बट यू नो व्हाट, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट आपने एक पैशन को कन्वर्ट किया इनटू ए बिजनेस और उसके लिए आपने इतना स्टडी किया, रिसर्च किया, खुद अपने हाथों से बनाती है. सो रिस्पेक्ट फॉर दैट. मेरा वही फीडबैक रहेगा आपको कि आप इसे सिंपलीफाई करो. अभी मुझे इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत छोटा है. आज मैं इससे बाहर हूं. बट कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. चलिए तीन शॉक आउट है. हाँ प्रीति, जैसे आपका 500 सेल हुआ है 3 साल में, वो इसीलिए है कि मुझे लगता है बहुत कम लोग इसमें विश्वास कर पाएंगे. तो इसे स्केलेबल नहीं है. हैविंग सेड दैट, 3-4 लाख का मंथली बिजनेस बनाना इन अ न्यू कैटेगरी बहुत कठिन काम है. सो हैट्स ऑफ. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक. आई एम आउट. मुझे लगता है आप एक आर्टिस्ट जी और आप 2 लाख रुपए महीने का अभी कमा रही हैं. बहुत कम आर्टिस्ट है जो इतना पैसा कमा पाते हैं पर मंथ. इसी तरह यू कैन बिल्ड अ नाइस बिजनेस 5-6 लाख रुपीज अ मंथ मेकिंग प्रॉफिट एज एन आर्टिस्ट. मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम है. मैं इस काम को लेके इतना पैशनेट नहीं हो पाऊंगा. और जब आप ये आर्टिफिशियल बाउंड्रीज ड्रॉ कर रही हैं कि मैं ये करूंगी लेकिन वो नहीं करूंगी, सो आई थिंक समवेयर देयर इज सम काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे डिस्क्रिमिनेशन. फिलोसॉफिकली मैं उसके साथ अलाइन नहीं कर पा रहा हूँ. तो इस वजह से मैं आउट हूँ. But you know, it's a new concept, and I wish you the best. Thank you so much. Thank you, Preeti. Thank you. Best thank of, you. Best of best luck. Of luck. Thank you for educating us. Thank you. Did you just say discrimination for her not choosing sperm? Why? Why would you? How can you decide which bodily fluid? आइए देखते हैं shock experience. Siliguri, West Bengal से Marisha पूछना चाहती हैं. नमिता, आप हमेशा पावरफुली ड्रेस्ड होती हो और इसी वजह से एकदम बॉस लेडी लगती हो. एक एंटरप्रेन्योर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है फैशन को ऑन पॉइंट रखना और फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना. तो मरीशा, थैंक यू, आपने मेरी ड्रेसिंग अप्रिशिएट की. और फर्स्ट इम्प्रेशन इम्पोर्टेंट होते हैं, तो व्हाई नॉट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. मेरी ड्रेसिंग ज्यादातर आई लाइक पैंट सूट्स क्योंकि कंफर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं ब्राइट कलर्स पहनती हूँ क्योंकि उससे मेरा मूड पॉजिटिव रहता है. और एक स्टीरियोटाइप होता है कि बिजनेस लीडर्स डोंट केयर अबाउट फैशन. ये बिल्कुल गलत है. आई थिंक बिजनेस लीडर्स कैन बी फैशनिस्टास टू. सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी काबिलियत. तो नेवर एवर लूज फोकस ऑन दैट.